हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आई एम करिंग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ऑफ एक्सरसाइज 3C। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का रूल क्या होता है, स्प्लिटिंग फॉर्म कहते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x − 24। देखिए 25 क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए स्टूडेंट क्या होता है इसमें कि इसमें ऐसा नंबर, मतलब पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 24 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो आप क्या करते, पहले इस वाले नंबर को 24 से इंटू करते, उसके बाद उसका एलसीएम निकालते। लेकिन अगर आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, किसी में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट आप 24 का एलसीएम निकालेंगे, डायरेक्ट आप 90 का एलसीएम निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट 120 का और इसमें डायरेक्ट 3 का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, उसके बाद ऐसा नंबर हम लेते हैं कि प्लस माइनस करने पर प्लस टू रूट थ्री आए, ठीक है, और इंटू करने पे −24 आए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे −21x आए और इंटू करने पे 90 आए, इसमें भी सेम, इंटू करने पे 120 आए, प्लस माइनस करने पे −22x आए, ठीक है। तो एक उसमें पहले एलसीएम निकाल लेते 24 का, तो 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। अब देखिए उसमें ऐसा नंबर हम पुट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे +2√3 आए, 3x आए माइनस, और इंटू करने पे −24 आए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, अगर हम स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर, अगर हम +4√3x −2√3x −24 करें, देखिए स्टूडेंट अगर हम 4√3 को −2√3 माइनस करें तो क्या आएगा, ये 4 मिस टू गया 2, और ये क्या होता है, जब दोनों नंबर सेम है तो डायरेक्ट वो ऐसे उतर जाता है, ठीक है। पीछे वाला माइनस नहीं होता है, दोनों रूट पे है तो पीछे वाला माइनस नहीं होगा, बस आगे वाला माइनस होगा, जो है 4√2 गया 2√3। तो क्या आया, बड़े नंबर क्या आएगा, प्लस के साइन क्या आएगा, +2√3 आ गया, तो ये हमारा सही है। अब देखिए सर, इसी नंबर को आप इंटू करिए, देखिए कि 24 −24 आता है कि नहीं, तो 4 2 8 होगा, और इंटू में क्या होता है, इंटू में हम बड़ा छोटा नहीं देखते, इंटू में अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपको पता होगा, √3 × √3 ब्रेक हो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 24, तो और ये माइनस का साइन तो −24 आ गया, तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं, पेयर में कॉमन लेते हैं, तो ये इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 4√3 हो गया। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और क्या लेंगे कॉमन, 2√3 कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन क्यों लेंगे, इधर प्लस है तो इधर भी हमको प्लस चाहिए ब्रैकेट के अंदर। देखिए स्टूडेंट 2√3 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, इधर एक्स बचा। जब माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट तो क्या होता है, जो माइनस में था वो प्लस में चेंज हो जाता है, और जो प्लस होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4√3। देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट, आपको कन्फ्यूज हो तो आप क्या करेंगे, आप 24 को जो बाहर दिया हुआ है, जो हम कॉमन लेंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 12√3 बच गया। अब 12 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 2 × 3 × 2 6 12 2 3 6 3 1 3, इतना है 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 और √3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, तो हम 3 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब आप √3 × √3 ब्रेक होकर √3 बनता है स्टूडेंट, तो हम 3 को क्या ले सकते हैं, √3 × √3 ले सकते हैं स्टूडेंट। तो आप 3 के लिए क्या लिख देंगे, 2 × 2 × √3 × √3। देखिए स्टूडेंट नीचे भी √3 दिया हुआ है, तो 3 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 2 4 4√3 बचा, तो 4√3 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। बस क्या करना है, आपको 24 को 2√3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो गया, x प्लस 4√3 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x −2√3।
तो देखिए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 90। पहले हम क्या करेंगे, आगे कोई नंबर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे 90 का। तो देखिए स्टूडेंट 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 8 5 10, 3 1 3 3 5 15, 3 5 15 5 1 5। ठीक है, तो ऐसा क्या, तो फिर क्या करते हैं एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, ऐसा नंबर इसमें प्लस माइनस करते हैं स्टूडेंट कि माइनस 21 आए और इनटू करने पे और उसी नंबर प्लस माइनस करते हैं कि माइनस 21 आए कि माइनस 21 आए और वही नंबर इनटू करने पे 90 आए, कोई और नंबर नहीं वही नंबर इनटू करने पे 90 आए। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 2 6 5 3 15, 15 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे क्या आएगा, 6 7 8 9 10 11 और 1 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 21 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे माइनस 15x माइनस 6 करेंगे स्टूडेंट। अब इसको इनटू करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, 6 5 30, 6 7 6 7 8 9, इनटू करने पे आ रहा है, प्लस माइनस करने पे आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कर नहीं सकते स्टूडेंट, प्लस करेंगे तो प्लस का साइन है लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस का साइन चाहिए स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे, माइनस 15x माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, 15 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, माइनस 21 प्लस 90। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 15 ये हो गया। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, x इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हम ठीक है इसमें माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट के अंदर हमको माइनस चाहिए स्टूडेंट, इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसलिए हम माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए और 6 कॉमन ले लिए, 6 कॉमन ले लिए, ठीक है, बचा क्या, माइनस कॉमन ले लिए स्टूडेंट, क्या हो गया, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 16 9 कितने टाइम्स आता है आप देख लीजिए, 6 1 6 और 9 में 6 माइनस के 3 आएगा, 6 5 30, एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा एक्स माइनस 6, ये हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन में 8 करते हैं, क्वेश्चन 8 क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम एलसीएम निकालेंगे 120 का, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15 5 1 5। ठीक है, अब हम ऐसा नंबर प्लस माइनस करते हैं कि माइनस 22 है और वही नंबर इनटू करने पर 120 आए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8, 5 3 15, 15 और 8 को प्लस करने क्या आएगा, 16 17 18 19 20 21 22 5 2 10 2 2 4 4 3 12 12 और 10 को अगर प्लस करें क्या आएगा स्टूडेंट, 2 1 1 2। ठीक है, लेकिन साइन किसका रहेगा, दोनों की तरफ माइनस रहेगा, क्यों माइनस रहेगा स्टूडेंट, अगर प्लस में अगर सिर्फ प्लस 12 प्लस 10 करते हैं स्टूडेंट तो आंसर क्या आता, प्लस 22 आता है, लेकिन चाहिए क्या, माइनस 22 चाहिए, इसलिए हम क्या करें माइनस 12 माइनस 10 करेंगे। अब माइनस 12 को माइनस 10 को अगर हम इंटू करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, 120 आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे एक्स एक्स माइनस 12, इधर कॉमन लेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस 10 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन इसलिए लेंगे स्ट्रिंग क्योंकि आप प्लस लेंगे हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, इसलिए यहाँ बच गया माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब 10 को देखिए स्ट्रिंग क्या होगा, 10 के टेबल में 120 कितने टाइम्स पे आता है आप देख लीजिए, कितने टाइम्स पे आता है, तो 12 टाइम्स पे आता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12, दूसरी तरफ हो जाएगा एक्स माइनस 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अगर देखिए स्टूडेंट अगर हम 4x दिया हुआ है तो अगर हम माइनस 3x माइनस x करेंगे क्या आएगा, 3 का एलसीएम होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x, माइनस 3x माइनस x को हम प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस 4x। ठीक है, और माइनस 3x को x हम इंटू करेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा, 3 1 3 होता है ना, लेकिन प्लस 3 ये हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 3, दूसरी तरफ हो गया, इधर माइनस कॉमन लेंगे हम और
इसमें कोई नंबर कॉमन ले नहीं सकते, वन कॉमन लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स, ये माइनस और ये थ्री, ये हमारा आंसर हो गया एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन। देखिए सर इसमें क्या किया हम, कि हम थ्री का एलसीएम होता नहीं है, तो माइनस थ्री माइनस एक्स को हम करेंगे क्या आएगा, ऐसा नंबर लेते हैं कि माइनस करने पे माइनस फोर आए, या प्लस माइनस करने पे माइनस फोर आए, और इंटू करने पे थ्री आए। तो देखिए सर माइनस थ्री को माइनस वन से एक्स क्या है, कौन सा नंबर स्टूडेंट, वन है। नंबर को इंटू करते हैं, ठीक है, नंबर के प्लस माइनस करते हैं, नंबर को इंटू करते हैं, तो एक्स का कोई नंबर नहीं, मतलब वन होता है। तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर हो गया, मतलब सही है, ठीक है। और माइनस थ्री को अगर हम माइनस वन से इंटू करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस थ्री माइनस प्लस थ्री वन से थ्री, प्लस थ्री आ गया, बस क्या किया स्टूडेंट कॉमन ले लिया, हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स नाइन्थ हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक मी वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।